अयोध्या की शिक्षिका सुप्रिया वर्मा हत्याकांड में हुआ एक नया खुलासा। इस खुलासे को लेकर बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह और जदयू प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने की परिजनों से मुलाकात। अयोध्या कोतवाली के श्रीरामपुरम कॉलोनी पहुंचे पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने परिवारजनों को आश्वासन दिया कि उनको न्याय दिलाया जाएगा। परिजनों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि परिजन पुलिस के खुलासे से संतुष्ट है, लेकिन जिस तरह से खुलासा किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है। कुछ ऐसे पहलू है जिससे परिवार संतुष्ट नहीं है। जिसको गिरफ्तार किया है वह भी सही है, लेकिन वजह सही नहीं है। धनंजय सिंह ने कहा कि वही विवेचना के लिए पुलिस प्रशासन से मुलाकात की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। दरअसल शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की 1 जून को धारदार हथियार से गले में मार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अयोध्या पुलिस ने उसके नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर अवैध संबंध वजह बताई थी, जिसको लेकर परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजनों का मानना है कि उसके घर से नगद व गहने चोरी हुए थे, उसी वजह से विरोध को लेकर हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बेटी को बदचलन साबित कर दिया, जिसके लिए वे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरह से इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है और परिवारजनों का कहना है कि उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस केस को एक नया मोड़ दिया गया है। खैर, अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये केस आगे कौन सा मोड़ लेता है और क्या क्या नए खुलासे इस केस में देखने को मिलते हैं। क्या शिक्षिका सुप्रिया वर्मा को उसके हिस्से का न्याय मिल पाता है? क्या सांसद धनंजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल उनके परिजनों को और उनको न्याय दिला पाती है? मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।